अंशिका श्री, और आज मैं हेयर कर्ल को लेके आई हूँ वीडियो। तो आज मैं आपको टू टिप्स बताने वाली हूँ। आप घर पे बैठ के इसे आप अपने हेयर को कर्ल कर सकते हो। दूसरा ये जो कि बहुत मार्केट में बहुत सस्ते मिलते हैं, ये कहीं भी मिल जाएंगे आपको। वन एक का प्राइस 20 रुपीज होता है या 30 रुपीज होता है, इसी में आते हैं। मैंने 20 में लिया था। अब हर जगह का प्राइस अलग अलग होता है। तो पहले मैं अपने एक तो बहुत सिंपल सा चोटी बताने वाली हूँ जिससे आपके हेयर कर्ल हो जाएंगे, और दूसरा तो ये भी बहुत सिंपल सा है। आपको विदाउट वो कर्लर मशीन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इससे आप कर्ल कर सकते हो। तो मैं अपना फर्स्ट बताती हूँ। पहले आपको एक बिल्कुल सिंपल स्टेप है, ध्यान से देखना। आपको एक चोटी बनानी है और आपके हेयर कर्ल हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये देखो, ये है ऐसे। आपको यूं घुमा के लाना है और इसमें यूं कर देना है, देखा, ऐसे करना है आपको। फिर दूसरा हेयर लेना है और यूं घुमा के फिर इसी में यूं कर देना है। ये ऐसे सारे हेयर को ऐसे लेते जाना है और इसको करते जाना है। सबसे इजी तरीका है, आपको कोई मशीन, कोई रोलर, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे आपके हेयर प्रॉपर अच्छे से कर्ल हो जाएंगे। और खुद, पहली बात तो ये अच्छी बात इसमें है कि आप खुद से कर सकते हो। इसमें ऐसे आपको अपने हेयर को लेते जाना है एक करके। आप अच्छे से देख पा रहे होगे, ये देखो ऐसे। और ऐसे तो चोटी भी बन जाती है कि स्टाइलिश सी यूनिक चोटी, आप जो बनाना पसंद करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये आप बना भी सकते हो ऐसे, कहीं जाना हो, क्लासेस वगैरह, जहां भी आप जाना पसंद करो। तो इसको टाइटली करो ताकि और अच्छे से आपका कर्ल बने। मुझे नीचे तक करना होगा शिखर। इसमें आपको कोई पिन, कोई रबड़, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बस आप कहीं भी हो, बैठे हो, अरे मुझे अपना हेयर कर्ल करना है, बस ये चोटी बना लो, हो गया कर्ल, फट से 2 मिनट का काम है इसमें। अगर पास में आपकी रबड़ है तो और अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसको कैसे भी फोल्ड कर लेना। ये वो को यूं करो और यूं कर लो, बस ऐसे छोड़ दो। या इसको थोड़ा नीचे तक बना लो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बाल को लेते जाओ, एक करके बना दो। मेरे बाल तो इस स्टेप कटे हुए हैं, सारे निकल गए हैं, आधे तो निकल ही गए, बट इट्स ओके। हमें तो वैसे भी नीचे कर्ल करना होता है और सबको नीचे का ही स्मॉल कर्ल तो बहुत कम लोगों को पसंद आता है। बस इसे आप यूं छोड़ दो। अपने बालों को उलझाना नहीं वरना ये उलझ जाएंगे। मैंने इसको यूं छोड़ दिया। अब मैं सेकेंड बताने वाली हूँ हेयर जो कर्ल का तरीका है, जो कि मैं इससे बताने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पहले अपने हेयर को बिल्कुल कॉम से कर लेना है, स्ट्रेट। अब हमें इतने इतने हेयर आगे के, पहले छोटे वाले मैं हेयर लेती हूँ,
करने के लिए जो बेबी हेयर है आगे के। तब तक मैं इसे कल बताऊंगी, तब तक ये जो है आप इसको ऐसे घुमा दो, इसको अच्छे से ऐसे छोड़ दो। ऐसे ही मैं सेकेंड हेयर को लेने वाली हूँ। आपके पास अगर 6 है या 5 है आप उतने में कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो मेरे पास 6 है तो मैं ऐसे से कर लूंगी, 6 बहुत है करने के लिए। हेयर थोड़े फंसे हुए हैं, इसको मैं सीधा कर ले रही हूँ। अगर आपके पास कोई वो लिक्विड जेल है अगर तो आप लगा सकते हो, मेरे पास अभी है नहीं तो मैं वो भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जब है नहीं तो लगाऊं कैसे। आप अगर उलझे हेयर है तो उसको सीधे कर लो अच्छे से, ताकि कोई जब बाल आप खोलो तो जो जो कर्ल हुआ है आपका उसमें और थोड़ा गंदा ना दिखे, क्लियर दिखे, अच्छे से दिखे। वैसे तो ये जो हेयर है इसमें 5 में ही हो गए, वैसे तो 4 में हो जाते, बट मैंने इसको कम कम लिया है तो 5 में हो गया है। वेट, थोड़ा सा अच्छे से मैं सिक्योर करना पसंद करूंगी इसको। आप देख सकते हो कितना कितने अच्छे से सिंपल है, कोई ज़्यादा वो ताम झाम नहीं है, इजीली हो जाएगा अगर आप अच्छे से करो तो। कर अगर आपके पास जेल है तो आप लगा लो, और अच्छी बात है, उससे और अच्छे से हो जाएगा। अभी मेरा लास्ट हेयर बचा हुआ है, अब इसको मैं करती हूँ। गाइस आपने मैंने पूरे हेयर में लगा दिए, सो फनी लुक, मेरा भी कुछ फनी लुक है। तो आप इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दो, तो आधे घंटे ओके आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं, फिर आधे घंटे बाद। तो मुझे ज़्यादा वेट नहीं हुआ, मैंने 5 मिनट वेट किया है। अब मैं इसको खोलने जा रही हूँ। आई थिंक ऐसे आप थोड़ा वेट कर लेना, मेरी तरह मत जल्दी जल्दी करना, वरना आपके अच्छे से कर नहीं होंगे। देखो मैंने तुरंत निकाल दिया है, अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ था और ना मैंने कोई जेल लगाया था। अगर आप चाहते हो कि मतलब प्रॉपर करना, आपके पास कुछ है नहीं तो कर सकते हो, बट आधे घंटे तो छोड़ देना, ऐसे मेरी तरह नहीं 5 मिनट बाद। वैसे हो गया है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हुआ होगा, आप देख रहे होगे हुआ है ना। अगर आप मैं थोड़ा वेट कर लेती, मुझे एक्चुअली ये वीडियो में ये देख सकते हो आप, थोड़ा बहुत हो गया मेरा भी गाइस। बट अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर कर्ल जो हो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं देखो, ये आप पास देख सकते हो ऐसे।
थोड़ा आप वेट कर लेना, प्रॉपर कर्ल चाहते हो तो। मैंने तो बस जल्दी जल्दी में कर दिया, अब मैं इनका कर्ल खोल रही हूँ। इनका भी 5 मिनट हुआ है। वैसे आपको भी इसमें भी आपको वेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है कि मतलब तुरंत हो जाए गाइस, पर फिर भी हो गया है ये वाला कर्ल तो इनका। आप देख सकते हो ये कर्ल कितने अच्छे से हो गया है। अभी मैंने बस 5 मिनट छोड़ा था, आप देख सकते हो। ऐसे मतलब इससे करना बेस्ट है, इससे भी करना बहुत सही है, बट मैंने ज़्यादा वेट नहीं कर पाई और मैं खोलना पड़ा मुझे। एक्चुअली मुझे और भी काम थे, इसलिए बस मैंने आपको दिखाने के लिए वो कर दिया। इसको आप खींच के मत खोलो, इजली अब आप खोल मत। आप देख सकते हो बस कर्ल को यूं यूं कर लो। लुक दिस गाइस, कर्ल अच्छा लग रहा होगा आपको, थोड़ा पास आओ। आपको आई थिंक कैमरे में क्लियर ना दिख रहा हो, बट मुझे ऐसे दिख रहा है कि बहुत अच्छे से हो गया है। मुझे थोड़ा टाइम और छोड़ती तो और भी अच्छा हो जाता, शायद हो ही जाता 110% मैं बता रही हूँ। तो ये भी ये काफ़ी अच्छा हुआ, ये भी काफ़ी अच्छा रहा, और ये कल भी मैंने आपको दिखाया। लुक दिस, ये ऐसे हुआ है, ये भी बहुत अच्छा कर्ल है। तो गाइस आप इस एक बार ज़रूर यूज करो, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये जो मैंने छोटी बताई वो यूज करो, वो बहुत सही है। आप कहीं भी बैठे हो, बैठते हो मुझे कर्ल करना है तो आप वो छोटी कर लो, तुरंत हो जाएगा। और इसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, आपको ये लेना पड़ेगा जाके, फिर आपको यूं यूं करना पड़ेगा। और ऐसे छोटी वाले तो बहुत ईजी है, तो आप दोनों ट्राई करो, मुझे कमेंट करके बताओ आप इन दोनों कर्ल में आपको कौन सा बेस्ट लगा। लाइक करना मेरी वीडियो सब्सक्राइब करना मेरा चैनल, सॉरी गाइस। तो आई थिंक आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो लाइक करना एंड शेयर करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, जैसी भी लगी, आप मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो बना सकूँ। और किस टॉपिक पे बनाऊँ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो गाइस। लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।